के सोशल सिक्योरिटी के पोर्टल में ऑनलाइन एम्प्लॉय कर कार्ड कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ से आपने लॉगिन कर लिया, यहाँ एम्प्लॉय पर क्लिक करें। यहाँ प्रोफाइल फॉर कंट्रीब्यूशन, जो आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन जाती है उसके लिए अगर प्रोफाइल अपडेट करने तो यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ डाटा उसका अपडेट कर सकते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमारा आज मेजर कंसर्न है प्रोफाइल फॉर एम्प्लॉय कार्ड। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे जिस बंदे की हमने प्रोफाइल अपडेट करनी है, एडिट पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ उसकी बेसिक डिटेल आ रही है, फुल नेम, फादर नेम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, सीएनसी नंबर है, आइडेंटिटी साइन है कि अगर कोई शनाख्ती लामत है, जैसे किसी के चेहरे पर कोई निशान वगैरह होता है तो उसको अपडेट करेंगे। मैरिटल स्टेटस उसका मैरिड है या अनमैरिड है, इज हैंडीकैप यानी कोई उसको मजदूरी तो नहीं है कोई, तो अगर मजदूरी होगी तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आप इस नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप परमानेंट है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है ये सिलेक्ट करें, वेज टाइप डेली है, मंथली है, वेज रेट क्या है उसका, और इज पैसिव सिक्योर्ड वर्कर कार्ड इशूड यानी अगर उसको पहले से सोशल सिक्योरिटी कार्ड इशू हो गया तो यस करें, अदरवाइज नो करें। इज एम्प्लॉयिंग गेट डायरेक्टली, इसको नो आप क्लिक करें। यहाँ परमानेंट एड्रेस उसका लिखें, जो सिटी है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखें उसका जो उसकी शनाख्ती कार्ड पे लिखा है, और उसका अगर रेजिडेंशियल एड्रेस कोई चेंज है तो आपने वो यहाँ मेंशन करना है, अगर सेम ऊपर वाला है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, जो ऊपर आपका एड्रेस होगा वही यहाँ नीचे को भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, एमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिखें, हेल्थ फैसिलिटी उसके घर के नजदीक अगर कोई डिस्पेंसरी है या एमरजेंसी सेंटर है, हॉस्पिटल है तो वो सिलेक्ट करें। मैं डिस्पेंसरी सिलेक्ट करता हूँ, तो डिस्पेंसरी में जो जो डिस्पेंसरी रजिस्टर्ड है सोशल सिक्योरिटी में वो मेरे पास शो हो रही है, जो आपके घर के नजदीक है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ एम्प्लॉय की अपनी पर्सनल पिक्चर जिसकी साइज 100 KB से कम हो तो यहाँ चूज फाइल में जाके पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ अपलोड कर दें। यहाँ से ओपन पे जाएं और ये आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास, क्योंकि हमने डाटा फिलिंग किया, वो कह रहा है कि उस डाटे को फिल करें। यहाँ जो डाटा मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ का, तो ये डाटा फिल करेंगे तो फिर सेव हो जाएगा। अभी हम दोबारा दूसरा ही हमारे पास पोर्शन है डिपेंडेंट प्रोफाइल। यहाँ जो अगर अगर तो आपकी शादी हुई है तो आपके बीवी बच्चों की डिटेल भी इसमें आएगी और आप अपने वालदेन की डिटेल भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं फादर की डिटेल लिखता हूँ, मोहम्मद असलम है, ठीक है, जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखूंगा, वाले साहब की, यहाँ वाले साहब का सीएनसी नंबर लिखूंगा, रिलेशनशिप क्या है उनकी, फादर है, डिपेंडेंट एसोसिएटेड, जब जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ वही डेट आपने मेंशन करनी है, आइडेंटिटी साइन कुछ शनाख्ती लामत है तो वो यहाँ आपने अपडेट करनी है, इज हैंडीकैप इनके अगर कोई वो मजदूर है तो यस से, अगर नहीं है तो नो लिख दें, मैरिटल स्टेटस उनका सिलेक्ट करें और यहाँ इसको सेव कर दें। अब सेव करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ नीचे आ जाएगी। अब इसी तरह आपने दूसरे डिपेंडेंट की डिटेल भी ऐसे ही अपडेट करनी है, जैसे मदर मदर का नेम, मिसिज का नेम, बच्चों का नेम, ठीक है, उसी तरह सिलेक्ट करके आपने इसको अपडेट करना है। ये आपकी प्रोफाइल 100% हो जाएगी तो इसको आपने सेव कर देना, ठीक है।